मार्शल आर्ट, यह शब्द आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा और आप भी मार्शल आर्ट सीखना चाहते होंगे अपनी लाइफ में कभी ना कभी। मार्शल आर्ट सीखने से पहले आपको कुछ सवालों के जवाब पता होने चाहिए। क्या होता है मार्शल आर्ट, इसे सीखने से क्या फायदे, किस किस तरह का होता है मार्शल आर्ट, क्या मार्शल आर्ट सीखने के लिए हमें किसी टीचर की आवश्यकता है, क्या हम मार्शल आर्ट किसी सोशल मीडिया से सीख सकते हैं, ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब हमें इस वीडियो में मिलेंगे। पहला सवाल, क्या होता है मार्शल आर्ट। मार्शल का मीन्स है युद्ध, आर्ट का मीन्स कला, युद्ध कला। मार्शल आर्ट युद्ध कला का नाम है। इन दोनों शब्दों से मिलाकर मार्शल आर्ट बना है। इससे हम अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। दूसरा सवाल, हमें क्यों सीखना चाहिए मार्शल आर्ट, अपनी सुरक्षा के लिए या अपने घर परिवार वालों की सुरक्षा के लिए, टाइम पास के लिए या सिर्फ इंटरेस्ट के लिए, भविष्य बनाने के लिए या फिट रहने के लिए। ये सारी चीजें सबसे पहले आपको सोचनी होंगी कि आप क्यों सीखना चाहते हैं मार्शल आर्ट। आराम से बैठिए और सोचिए कि आपका उद्देश्य क्या है सीखने का। तीसरा सवाल, किस किस तरह का होता है मार्शल आर्ट। वैसे तो मार्शल आर्ट में बहुत सी फॉर्म्स हैं, लेकिन जानी मानी फॉर्म्स कराटे, किक बॉक्सिंग, मोई थाई, एमएमए, ब्राजीलियन जुजुत्सु, जूडो, कुंफू, ये सारी फॉर्म्स मार्शल आर्ट में सब सीखना चाहते हैं। इनमें से कौन सी मार्शल आर्ट आप सीखना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चौथा सवाल, मार्शल आर्ट सीखने के लिए किसी टीचर की आवश्यकता है। वैसे तो आपने सुना ही होगा, गुरु बगैर ज्ञान अधूरा होता है। अगर आपको कोई अच्छा टीचर, अच्छा मार्शल आर्ट का ज्ञाता अगर आपको मिल जाए तो आपको मार्शल आर्ट सीखने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर आप बगैर किसी टीचर के मार्शल आर्ट सीखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और आप ये भी नहीं डिसाइड कर सकते कि आप सही सीख रहे हैं या गलत। तो मार्शल आर्ट सीखने के लिए आपको किसी अच्छे टीचर या गुरु की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। अपना आप टीचर ढूंढिए या टीचर से मिलिए। जो भी टीचर आपको बहुत अच्छे से सिखा सके आप उससे मार्शल आर्ट सीखिए। पांचवा सवाल, क्या आप मार्शल आर्ट किसी सोशल मीडिया से सीख सकते हैं। नहीं, मार्शल आर्ट कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आपने देखा और आपको आ गया। आप मार्शल आर्ट की बहुत सारी ढेरों हजारों वीडियोस आप कहीं भी सोशल मीडिया से देख सकते हैं, लेकिन उनको सीखने के लिए आपको उनकी प्रैक्टिस करनी होगी, आपको उनके ऊपर मेहनत करनी होगी, उन स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा। आप उनको देखकर कॉपी तो कर सकते हैं, आप उनसे देखकर इंस्पायर तो हो सकते हैं, लेकिन आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आप सही सीख रहे हैं या गलत। आप चीज़ें देखिए, मोटिवेटेड होने के लिए आप वीडियोस 100 बार देखिए, 1000 बार देखिए, लेकिन आपको अगर मार्शल आर्ट अच्छे से सीखना है तो आप सोशल मीडिया से बेहतर आप किसी भी टीचर से सीख सकते हैं, जो कि आपकी अच्छी चीज़ों को बता सकेंगे। अगर आप कहीं कोई गलती करते हैं तो वो उनको इम्प्रूव कर सकेंगे। तो किसी भी मार्शल आर्ट को सीखने के लिए आपके टीचर का आपके सामने होना बहुत ज़रूरी है। आप मार्शल आर्ट सीख पाएंगे, कितना अच्छा मार्शल आर्ट सीख पाएंगे वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, आपके टीचर पर डिपेंड करता है। इन्हीं सवालों के जवाब आप जानना चाहते थे और सोचिए, समझिए कि आप क्यों सीखना चाहते थे मार्शल आर्ट। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।